हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग कंपेयर करेंगे ओसवाल के सैंपल पेपर को एडोकार्ड के सैंपल पेपर से। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोनों ही सैंपल पेपर अच्छे सैंपल पेपर हैं। इसके अलावा जो भी सैंपल पेपर 16 सितंबर 2022 के बाद रिलीज हुए हैं, जो कि सीबीएसई के लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर बेस्ड हैं, आप लोग उनको फॉलो कर सकते हो। इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग देखेंगे दोनों के बीच में कंपैरिजन यानी कि डिफरेंस। इसके बाद हम लोग देखेंगे दोनों के बीच में सिमिलैरिटी, और लास्ट में हम लोग कंक्लूजन करेंगे कि दोनों में से आपको कौन सा सैंपल पेपर परचेस करना चाहिए, एडुकार्ड या ओसवाल के सैंपल पेपर को परचेस करना चाहिए। वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए कंपेयर करते हैं ओसवाल के सैंपल पेपर को एडुकार्ड के सैंपल पेपर से, यानी कि दोनों के बीच में डिफरेंस देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं प्राइस से। ओसवाल का जो सैंपल पेपर है वो थोड़ा सा ज्यादा कॉस्टली है, वहीं अगर हम लोग बात करें एडुकार्ड के सैंपल पेपर की तो वो थोड़े कम कॉस्टली हैं। अप्रोक्सीमेटली जो आपको ओसवाल का सैंपल पेपर पड़ेगा वो 250 रुपीज का पड़ेगा, वहीं अगर हम लोग बात करें एडुकार्ड के सैंपल पेपर की तो वो आपको अप्रोक्सीमेटली 200 रुपीज का पड़ेगा। बट आपको प्राइस में थोड़ा वेरिएशन देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं उनके प्राइसेस अलग अलग होते हैं। जैसे मैथ्स और साइंस के सैंपल पेपर होते हैं वो थोड़े कॉस्टली होते हैं, वहीं अगर हम लोग बात करें हिंदी और इंग्लिश की तो वो थोड़े कम कॉस्टली होते हैं, वो आपको सस्ते पड़ते हैं। और जो दूसरा कारण हो सकता है आपका प्राइस का वेरिएशन का, कई बार आपको डिस्काउंट मिल सकता है इन सैंपल पेपर में, क्योंकि ये कई बार आपको ऑफर में भी सैंपल पेपर प्रोवाइड करते हैं। बट अगर हम लोग बात करें डिफरेंस की, तो जो ओसवाल का सैंपल पेपर है उसकी जो कॉस्ट है वो 40 से 50 रुपीज आपको महंगे पड़ेंगे एडुकार्ड के सैंपल पेपर से। चलिए बात करते हैं पेपर क्वालिटी की। जो ओसवाल के सैंपल पेपर है उसकी जो पेपर क्वालिटी है, यानी कि हम लोग बात करें मटेरियल की, जिस मटेरियल से ओसवाल का सैंपल पेपर बना है उसकी जो क्वालिटी है वो थोड़ी हाई है। अगर हम लोग बात करें एडुकार्ड के सैंपल पेपर की तो उसकी पेपर क्वालिटी मीडियम लेवल की है, यानी कि जो मटेरियल यूज हुआ है उसकी क्वालिटी की हम लोग बात कर रहे हैं। शायद इसी वजह से जो ओसवाल के सैंपल पेपर हैं वो थोड़े से ज्यादा कॉस्टली हैं एज कंपेयर टू एडुकार्ड सैंपल पेपर। वैसे पेपर क्वालिटी ज्यादा मैटर नहीं करती है, बट हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को मैटर करती हो, इसलिए मैंने ये वाला पॉइंट भी इसमें इंक्लूड किया। चलिए बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ पेजेस की। जो ओसवाल का सैंपल पेपर है उसमें आपको अप्रोक्सीमेटली 150 पेजेस मिलेंगे, वहीं अगर हम लोग बात करें एडुकार्ड के सैंपल पेपर की तो उसमें आपको लगभग 200 पेजेस मिलेंगे अप्रोक्सीमेटली। चलिए बात करते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज की, जिसके लिए मोस्टली स्टूडेंट सैंपल पेपर को परचेस करते हैं। कितने आपको इसमें सैंपल पेपर दिए गए हैं और उनका क्या लेवल है उसके बारे में बात करते हैं। पहले बात कर लेते हैं टोटल नंबर ऑफ सैंपल पेपर की। जो ओसवाल की बुक है इसमें आपको 5 सॉल्ड सैंपल पेपर दिए गए हैं और 5 अनसॉल्ड सैंपल पेपर दिए गए हैं। वहीं अगर हम लोग बात करें एडुकार्ड के सैंपल पेपर की, इसमें आपको 8 सॉल्ड सैंपल पेपर दिए गए हैं और 3 अनसॉल्ड सैंपल पेपर दिए गए हैं, यानी कि टोटल जो ओसवाल के सैंपल पेपर हैं वो है आपके 10 सैंपल पेपर। वहीं अगर हम लोग बात करें एडुकार्ड के सैंपल पेपर की तो इसमें आपको 11 सैंपल पेपर दिए गए हैं। दोनों ही बुक में सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर, जो कि 16 सितंबर 2022 को रिलीज हुआ था, वो वाला सैंपल पेपर दोनों ही बुक में इंक्लूड किया गया है और साथ के साथ उसका सॉल्यूशन भी दिया गया है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चंस के लेवल की। दोनों ही सैंपल पेपर में आपको किस तरह के क्वेश्चंस दिए गए हैं और किस लेवल के वो क्वेश्चंस हैं उनकी बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें ओसवाल के सैंपल पेपर की, जो उसके क्वेश्चंस के लेवल हैं वो सीबीएसई के ऑफिशियल सैंपल पेपर से थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं। ऐसा देखा गया है जो ओसवाल के सैंपल पेपर होते हैं उनका लेवल थोड़ा सा हाई होता है, जो बोर्ड के एग्जाम में जो पेपर्स आते हैं उससे थोड़ा सा हाई लेवल के क्वेश्चंस होते हैं ओसवाल के सैंपल पेपर में। लास्ट ईयर भी हमने यही देखा था, जो ओसवाल का सैंपल पेपर है उसके क्वेश्चंस थोड़े हाई लेवल के थे अगर हम लोग बोर्ड एग्जाम से कंपेयर करें। अगर वही बात करें एडुकार्ड के सैंपल पेपर की, उनका जो क्वेश्चंस का लेवल है सीबीएसई के ऑफिशियल सैंपल पेपर से मैच करता है। चलिए बात करते हैं एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल की, जो कि आपको ओसवाल के सैंपल पेपर में भी दिए गए हैं और एडुकार्ड के सैंपल पेपर में भी आपको दिए गए हैं। अगर हम लोग बात करें ओसवाल के सैंपल पेपर में तो उसमें आपको दिए गए हैं माइंड मैप्स, वहीं अगर हम लोग बात करें एडुकार्ड के सैंपल पेपर की तो उसमें आपको दिए गए हैं कॉन्सेप्ट मैप्स। माइंड मैप्स हो चाहे कॉन्सेप्ट मैप्स हो, दोनों ही आपकी तैयारी को बेटर कर सकते हैं, जो आपकी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन है उसको ज्यादा बेटर कर सकते हैं। अगर हम लोग बात करें ओसवाल के सैंपल पेपर की तो उसमें आपको चैप्टर वाइज नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं, वहीं अगर हम लोग बात करें एडुकार्ड के सैंपल पेपर की तो उसमें कुछ भी ऐसा चैप्टर वाइज नोट्स नहीं दिया गया है।
जो ये चैप्टर वाइज नोट्स ओसवाल की बुक में आपको दिए गए हैं ये काफी ज्यादा अच्छी क्वालिटी के हैं, तो मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे और काफी ज्यादा अच्छे लगे ये चैप्टर वाइज नोट्स, ये आपको क्विक रिविजन में हेल्प कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं, जो ओसवाल के सैंपल पेपर है उसमें आपको टॉपर्स के आंसर्स नहीं दिए गए हैं, वहीं अगर हम लोग बात करें एडुकार्ड के सैंपल पेपर की तो उसमें आपको टॉपर्स के आंसर दिए गए हैं और वो भी सारे साल के, बट ओसवाल की बुक में आपको कुछ QR कोड्स दिए गए हैं जहां से आप लोग टॉपर्स के आंसर्स को डाउनलोड कर सकते हो, बट आपको जो आंसर्स मिलेंगे वो 2020 बोर्ड एग्जाम्स के मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट कंपैरिजन देख लेते हैं, जो ओसवाल का सैंपल पेपर है उसमें आपको सेल्फ इवैल्यूएशन चार्ट नहीं दिए गए हैं, वहीं अगर हम लोग बात करें एडुकार्ड के सैंपल पेपर की तो उसमें आपको सेल्फ इवैल्यूएशन चार्ट दिए गए हैं। सेल्फ इवैल्यूएशन चार्ट क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा शॉर्ट में, जो आपको अनसॉल्व्ड सैंपल पेपर दिए गए हैं एडुकार्ड की बुक में उसको आप लोग खुद से भी चेक कर सकते हो सेल्फ इवैल्यूएशन चार्ट की मदद से। उसमें आपको बताया गया है कि कितना लिखने पे आपको कितने मार्क्स देने, एक तरह से CBSE की मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग बनाया गया है। चलिए बात करते हैं प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर की, जो ओसवाल के सैंपल पेपर है उसमें आपको प्रीवियस ईयर के बोर्ड एग्जाम के पेपर दिए गए हैं, वहीं अगर हम लोग बात करें एडुकार्ड के सैंपल पेपर की तो उसमें आपको कोई भी प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन पेपर नहीं दिया गया है। चलिए सिमिलैरिटी देख लेते हैं दोनों ही सैंपल पेपर के बीच में। चलिए पहली सिमिलैरिटी देख लेते हैं, दोनों ही बेस्ड है CBSE के लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर, दोनों में इंक्लूड है NCERT के क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और साथ के साथ इसमें दिए गए हैं आपको लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस, जिनको हम लोग कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट सिमिलैरिटी देख लेते हैं, दोनों ही बेस्ड है CBSE के ऑफिशियल सैंपल पेपर के ऊपर जो कि 16 सितंबर 2022 को रिलीज हुआ था, और दोनों ही बुक में आपको CBSE का ये वाला सैंपल पेपर भी दिया गया है और इसका सॉल्यूशन भी दिया गया है। दोनों ही बुक में जो अनसॉल्व्ड सैंपल पेपर है उनका सॉल्यूशन बुक में कंप्लीटली नहीं दिया गया है, तो अगर आप लोगों को कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए तो आप लोगों को वेबसाइट से डाउनलोड करना पड़ेगा दोनों ही सैंपल पेपर के केस में। चलिए नेक्स्ट सिमिलैरिटी की बात करते हैं, दोनों में ही आपको एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल दिए गए हैं अदर देन सैंपल पेपर, चाहे वो माइंड मैप्स हो, चाहे वो कॉन्सेप्ट मैप्स हो, चाहे वो चैप्टर वाइज नोट्स ही क्यों ना हो। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये वाली जो सिमिलैरिटी है दोनों ही सैंपल पेपर के बीच में, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सिमिलैरिटी है, तो इसको आप लोग ध्यान से सुनना। दोनों ही पब्लिशर के जब हम लोग सैंपल पेपर को कंपेयर करते हैं उनके क्वेश्चन बैंक से, तो लगभग 80% जो क्वेश्चन हैं उनके क्वेश्चन बैंक में वही क्वेश्चन सैंपल पेपर में भी उन्होंने इंक्लूड किए हैं, मतलब वहीं से उन्होंने क्वेश्चन को उठाया है। तो जैसे कि हम लोग बात करें ओसवाल के सैंपल पेपर की, तो जो 80% क्वेश्चंस हैं वही क्वेश्चंस क्वेश्चन बैंक में भी दिए गए हैं, वही क्वेश्चंस उनके सैंपल पेपर में भी दिए गए हैं, यानी कि सिमिलर ही क्वेश्चंस हैं सैंपल पेपर में और क्वेश्चन बैंक में। वही चीज एडुकार्ट में भी है, जो क्वेश्चंस उन्होंने क्वेश्चन बैंक में दिए हैं 80% क्वेश्चंस सिमिलर हैं सैंपल पेपर में भी। क्वेश्चन बैंक में जो अरेंजमेंट है क्वेश्चंस का वो चैप्टर वाइज है, वहीं बात करें अगर हम लोग सैंपल पेपर की तो वहां पे मिक्स्ड फॉर्म में क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, मतलब एक क्वेश्चन आपको दूसरे चैप्टर से मिलेगा तो दूसरा क्वेश्चन आपको अलग चैप्टर से मिलेगा। कंक्लूजन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूंगा, जब भी आप लोग सैंपल पेपर सॉल्व करो कंप्लीट सॉल्व करना है आपको, 3 hours की सेटिंग रखनी है और कंप्लीट सॉल्व करके ही आपको उठना है, बीच बीच में आपको नहीं उठना है, और सैंपल पेपर सॉल्व करने के बाद आपको उसका कंप्लीट एनालिसिस भी करना है और अपनी गलतियों को सुधारना भी है ताकि आप लोग दोबारा से उस गलती को ना करो। चलिए कंक्लूजन देखते हैं कि आपको ओसवाल का सैंपल पेपर परचेस करना चाहिए या एडुकार्ड का सैंपल पेपर परचेस करना चाहिए। 3 points में आपको बताऊंगा, उससे आप लोग डिसाइड कर लेना कि कौन सा आपको सैंपल पेपर परचेस करना चाहिए। सबसे पहला, जिसका आप लोगों ने क्वेश्चन बैंक परचेस किया है उसी का आपको सैंपल पेपर भी परचेस करना चाहिए, यानी कि आप लोगों ने अगर ओसवाल का क्वेश्चन बैंक परचेस किया है तो आप लोगों को उसी का सैंपल पेपर भी परचेस करना चाहिए। अगर आप लोगों ने एडुकार्ड का क्वेश्चन बैंक परचेस किया है तो आप लोगों को उसी का सैंपल पेपर भी परचेस करना चाहिए। इसको आप लोग इस तरह से समझ सकते हो, जब आप लोग एक बुक को सॉल्व करते हो, एक पब्लिशर की बुक को सॉल्व करते हो, तो आप लोग थोड़ा कंफर्टेबल हो जाते हो उसकी बुक से, तो अगर आप लोगों ने उसका क्वेश्चन बैंक खरीद लिया है तो आप लोग उसका सैंपल पेपर भी परचेस कर सकते हो। एक और कारण जिस वजह से मैं आपको कह रहा हूं कि जिसका आप लोगों ने क्वेश्चन बैंक परचेस किया है उसी का आपको सैंपल पेपर भी परचेस करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है जब कोई भी पब्लिशर अपना क्वेश्चन बैंक रिलीज करता है तो उसमें कुछ कमियां रह जाती हैं, कुछ टाइप के क्वेश्चंस उसमें छूट जाते हैं, तो उन क्वेश्चंस को इंक्लूड कर देता है वो पब्लिशर अपने सैंपल पेपर में।
दूसरा पॉइंट जो आपको हेल्प करेगा डिसाइड करने में कि कौन सा सैंपल पेपर आपको परचेस करना चाहिए, डिफिकल्टी लेवल ऑफ सैंपल पेपर। जैसे कि हम लोगों ने देखा जो ओसवाल का सैंपल पेपर है, जो बुक में आपको सैंपल पेपर दिए गए हैं, वो सीबीएसई के ऑफिशियल सैंपल पेपर से एक लेवल ऊपर है। वहीं अगर हम लोग बात करें एडुकार्ट की, तो उसमें जो आपको सैंपल पेपर दिए गए हैं वो सिमिलर लेवल के हैं, जो कि आपका सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर रिलीज हुआ था उसी लेवल के हैं। और लास्ट ईयर भी हमने देखा था जो ओसवाल के सैंपल पेपर थे वो एक लेवल ऊपर थे बोर्ड के सैंपल पेपर से, बट एडुकार्ट के जो सैंपल पेपर थे वो बोर्ड के पेपर को मैच कर रहे थे। एक बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, अगर आप लोग एक लेवल ऊपर सैंपल पेपर को सॉल्व करते हो तो जब आपके पास बोर्ड का पेपर आएगा वो आपको ज्यादा इजी लगेगा, जब आप लोगों ने इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व किया होगा। तीसरा पॉइंट जो कि आपको हेल्प कर सकता है कि कौन सा सैंपल पेपर आपको परचेस करना चाहिए, दोनों ही पब्लिशर के सैंपल पेपर में आपको एक्स्ट्रा चीजें दी गई हैं, तो आप लोगों को देखना है कि कौन सी चीजें आपको चाहिए। आपको माइंड मैप्स चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट मैप्स चाहिए, आपको चैप्टर वाइज नोट्स चाहिए, आपको सेल्फ इवैल्यूएशन चार्ट चाहिए, तो उस तरह से आप लोगों को डिसाइड करना है कि क्या चीजें आपको चाहिए, उस हिसाब से आप लोग डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा सैंपल पेपर आपको परचेस करना चाहिए। क्योंकि दोनों में ही आपको सैंपल पेपर तो दिए गए हैं बट उसके अलावा भी बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें दी गई है, तो आप लोगों को उनको देख के भी डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा सैंपल पेपर आपको परचेस करना चाहिए। अगर आप लोगों के मन में अभी भी कंफ्यूजन है तो हम लोगों ने इन दोनों के ऊपर डिटेल वीडियो बनाया है, एडुकार्ट के सैंपल पेपर का कंप्लीट रिव्यू किया है और ओसवाल के सैंपल पेपर का कंप्लीट रिव्यू किया है, पेज टू पेज बुक का रिव्यू किया है, तो आप लोग उनको भी देख सकते हो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप लोग वहां से जाके एक बार वीडियो को देख सकते हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस हम लोग इस चैनल पे अपलोड करते रहते हैं। वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।